प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि पॉल्यूशन जो लेवल है वो अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक हमने देखा है कि उत्तर भारत में दिल्ली NCR में काफी ज्यादा बिगड़ जाता है, यानी पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसका कारण यह है कि जब मानसून विदा होता है तो जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा से चलने लग जाती हैं और उसी समय अक्टूबर नवंबर में पंजाब हरियाणा और सेंट्रल पाकिस्तान में पराली जलना शुरू हो जाती है, तो वहां से धुआं आता है और साथ साथ उस समय तापमान भी नीचे गिरने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि सुबह के समय मिस्ट और हेज बनती है और जब हवा कमजोर होती है तो पॉल्यूशन जो लोकल पॉल्यूशन है दिल्ली NCR का डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल और पराली का धुआं, ये सारे मिक्स होकर के स्मोक की लेयर बना लेते हैं जिससे पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। केवल जो पॉल्यूशन है उससे निजात तभी मिल पाती है या तो तेज हवाएं एक दिशा से चलें या बारिश हो। तो इस समय भी हमने देखा कि AQI इंडेक्स पिछले कई दिनों से सीवियर कैटेगरी में या वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। 365 के आसपास AQI कल भी था और यानी आज भी रहा है और कल भी लगभग इसी रेंज में था, यानी कि पिछले कई दिनों से AQI इंडेक्स ऐसे ही है और आज भी क्योंकि बारिश तो हुई है पूरे इलाके में, लेकिन क्योंकि ये जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन आता है तो इस तरह से हवाएं घूमने लग जाती हैं, यानी कि हवाएं बहुत ज़्यादा तेज नहीं चल पाती एक ही डायरेक्शन से, तो पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एक ही जगह रोटेट होते रहते हैं यानी आसपास ही रहते हैं और सुबह के समय जो मिस्ट और हेज बनी हुई थी उसके कारण ये सारे पॉल्यूटेंट उससे मिक्स हो गए थे और दिल्ली NCR में ये जो AQI इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। अब क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेंगे पूरे भारत, ये उत्तर भारत मध्य भारत में, जिससे कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो धुल जाएंगे यानी वातावरण साफ हो जाएगा और अगले यानी कि 9 या 10 तारीख तक AQI इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा सुधर सकता है, मॉडरेट कैटेगरी में आ सकता है। और उसके बाद क्या होगा कि जब ये वेस्टर्न डिस्टर्ब हट जाएगा तो हवाओं की दिशा इस तरह से यानी कि उत्तर पश्चिमी दिशा से शुरू हो जाएगी। अगर हवाएं लगातार एक ही डायरेक्शन से तेज चलती हैं तो पॉल्यूटेंट्स को डिस्पर्स कर देती है जिससे कि वो जो पॉल्यूशन है कम हो जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि 9 तारीख और 10 तारीख के आसपास हवाएं कैसी होंगी। अगर ये तेज रही तो पॉल्यूशन सुधरा रहेगा यानी कि सीवियर कैटेगरी में या वेरी पुअर कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर हवाओं की रफ्तार कम हुई तो सुबह और शाम के समय जो हेज या मिस्ट या शैलो फॉग बनेगा तो उसके साथ सारे पॉल्यूटेंट्स मिलकर के AQI इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि आगे वेदर कैसा रहता है और ये जनवरी के एंड तक इसी तरह की पॉल्यूशन जो सीवियर कैटेगरी या वेरी पुअर कैटेगरी हमें देखनी पड़ेगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।